बिसमीम डियर स्टूडेंट्स सैम्पलिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रब्यूशन उसमें आज हमारा टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रब्यूशनस का इंट्रोडक्शन है ठीक है और इसमें स्पेशली uh, हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मीन को आज डिस्कस करेंगे सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं पैरामीटर और स्टेटिस्टिक की डेफिनेशंस आपको दोबारा रिवाइज करवाना चाहती हूँ तो पैरामीटर्स आप लोग जानते हैं एगनेरिकल क्वान्टिटी कैलकुलेटेड फ्राम पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर और पैरामीटर्स के लिए जहन में रखेंगे पैरामीटर्स आर फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स उनकी ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं सिंगल वैल्यू होती है पैरामीटर की ये वेरिएबल नहीं होते पैरामीटर्स आर यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर पॉपुलेशन मीन जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और वो जितने भी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय जो भी पॉपुलेशन का साइज है कैपिटल से उसको डिनोट करते हैं उसके इक्वल होगा पॉपुलेशन वेरियंस जो है वो सिग्मा स्केयर के और यह उसका नोटेशन है सिग्मा स्केयर और ये उसी तरह से हमारे पास सम ऑफ द स्किल्स ऑफ द डिविएशन ऑफ़ पॉपुलेशन एलिमेंट्स फ्राम द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इन द पॉपुलेशन ठीक है उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करेंगे ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम रीड करेंगे सिग्मा एस आई जी एम ए और इसी तरह से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जिसको पी से डिनोट किया जाता है और वो किसके इक्वल होती है एक्स ओवर एन के यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विद करेक्टरिस्टिक ऑफ़ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो इनको तो हम दोबारा रिवाइज़ करते रहेंगे अभी जो है हम लोग कुछ बेसिक बातों को अब जो है स्टेटिस्टिक आप लोग जानते हैं एनी नोमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक जो नोमेरिकल क्वांटिटी हम लोग सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसको स्टेटिस्टिक कहा जाता है ए सैंपल स्टेटिस्टिक इज़ अ रैंडम वेरिएबल इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटिन लेटर्स जो सैंपल स्टेटिस्टिक होती है वो एक रैंडम वेरिएबल होता है क्योंकि आप जानते हैं कि एक पॉपुलेशन से हम बहुत से सैंपल्स को ड्रा कर, कर सकते हैं ठीक है डिफरेंट नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैंपल्स हम लोग किसी भी फाइनाइट पॉपुलेशन से ड्रा कर सकते हैं और हर सैंपल की जो है स्टेटिस्टिकट से मीन भी कैलकुलेट करना है तो डिफरेंट सैंपल्स के मीन्स डिफरेंट आएंगे लिहाजा सैंपल स्टेटिस्टिक जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है जबकि पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो एक फ़िक्स्ड uh, कांस्टेंट uh, है <coughs> कुछ जो हैं वो सैंपल स्टेटिस्टिक एक्स बार आप लोग जानते हैं ठीक है ना इसी तरह से सैम्पल वेरियस एस केयर को जानते हैं सैंपल स्टैंडिविशन को एस से डिनोट करते हैं सैंपल प्रोपोर्शन को पी हेट से और वो स्मॉल एक्स ओवर एन से उसको डिनोट किया जाएगा अब जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टेटिस्टिक आ गया हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टेटिस्टिक हमारे पास क्या होता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ अ स्टेटिस्टिक इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहली बात यह है कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द स्टेटिस्टिक उस स्टेटिस्टिक का ऑब्टेन फ्राम ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ सेम साइज दैट कैन बी ड्रॉन विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट फ्राम अ हीमन पॉपुलेशन सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो इसी तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होगा जिसमें टू मेन कॉलम्स होंगे एक कॉलम में आपकी स्टेटिस्टिक की वैल्यूज आएंगी जिस पे स्टेटिस्टिक्स को यूज किया जा रहा होगा लेट्स अगर मीन को यूज़ किया जा रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन तो एक कॉलम मीन्स का आएगा सारे सैम्पल्स के और दूसरा साथ वाला जो कॉलम होगा उन मीन्स की प्रोबेबिलिटीज आएंगी सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑफ द स्टेटिस्टिक्स ऑबटेन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ सेम साइज़ डेट कैन बी ड्रॉन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एर स्टेटिस्टिक स्टैंडर्ड एरर क्या होता है द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन ऑफ द दैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टेटिस्टिक अब डिस्ट्री हर एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अपना मीन और वेरिएंस होता है उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन होता है तो स्टैंडर्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिशन जो होता है उसको स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है ठीक है इसको एब्रीविएट किया जाता है एस डॉट ई डॉट से इट मईर्स द डिस्पर्शन ऑफ़ द वैल्यूज ऑफ अ स्टेटिस्टिक दैट माइट बी कंप्यूटेड फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ठीक है तो ये जो है स्टैंडर्ड uh, एरर होता है uh, जिस डिस्पर्शन को जो के शो करता है